महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना चर्चा का विषय। बता दें कि विगत कुछ दिनों से लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्ते काटने की सुई ARV तो उपलब्ध है, लेकिन अस्पताल पर उपस्थित फार्मासिस्ट यह कहकर मरीजों को वापस भेज देते हैं कि जब तक आप लोग 5 लोग नहीं होंगे तब तक हम सुई नहीं लगाएंगे। इस संदर्भ में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ से बात की गई तब उन्होंने तत्काल प्रभारी अधीक्षक प्रवीण चौधरी को निर्देशित किया, तब जाकर के ARV लगी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में उपस्थित चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयां स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध ना होने के कारण मरीजों को बाहर से मेडिकल हाल से दवाइयां लेनी पड़ती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में एक बार फिर पुरुष व महिला शौचालय बंद मिले। चिकित्सक परिसर में पत्रकारों के पहुंचने की सूचना मिलते ही अस्पताल कर्मियों द्वारा आनन फानन में शौचालय से ताला खोला गया। आजमगढ़ से रविंद्रनाथ गुप्ता की खास रिपोर्ट। नाम विशाल चौबे। कहाँ घर पड़ता है? परसमनपुर पड़ता है। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? हम आए हैं कुत्ते की सुई लगवाने के लिए। क्या वो लगी? नहीं, सुई नहीं लगी। क्या बोले हैं? बोले हैं कि जब तक 5 लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक सुई नहीं लगेगी। कौन था वहाँ पे? वो एक कंपाउंडर साहब थे। अच्छा अच्छा जी। और आप? मेरा नाम दयाराम यादव। कहाँ से आए हैं आप? नरोर पट्टी से। तो क्या हुआ है आपको? कुत्ता काटा है। तो क्या सुई नहीं लगी क्या? अभी बताए कि 5 लोग इकट्ठा होंगे तब सुई लगेगी। आप कहाँ से आए? परसनपुर अम्बेडकर नगर में पड़ता है ना? हाँ, अम्बेडकर नगर में पड़ता है, नरोर पट्टी गाँव। अच्छा, आपको भी यही बोले हैं कंपाउंडर साहब? हाँ। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।